ये किसने मंगाया? मैंने मसाला चिकन का मन किया, पूर्णिया में तो न्यू पल से मंगा लिया। मन किया। पूर्णिया के मधुबनी यादव टोला में सार्वजनिक कृष्ण मंदिर के परिसर से सटे एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे मोहल्लेवासी इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर कई बार पंचायत भी की गई, लेकिन विनोद यादव, शशि यादव, वीरेंद्र यादव मानने को तैयार नहीं हो रहे और वो कह रहे हैं कि यह मंदिर मेरी जमीन पर है। इसको लेकर थाने में भी कागज की जांच हुई, तब भी वे मानने को तैयार नहीं हो रहे और पंचायत के दौरान विनोद यादव, शशि यादव, वीरेंद्र यादव इत्यादि ने मिलकर कुछ लोगों को बुरी तरह मारा पीटा और एक व्यक्ति सिकंदर यादव को मारकर बुरी तरह घायल कर दिया है, जिसका इलाज पूर्णिया के सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं कुछ लोगों ने विनोद यादव एवं उनके बेटों को पकड़कर थाने लाई और कुछ लोग फरार हो गए। वहीं मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी और प्रशासन भागे हुए और भी अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश कर रही है और मामले को सुलझाने की भी कोशिश कर रही है। हम लोग जो है ना कल लोग अदालत में आए, यहाँ पे बोला क्या उनको अपना जमीन जो है सिर्फ नाप के निकाल लो, ठीक है। हम लोग सब गाँव समाज के आदमी गए कि जबरदस्ती वो लैट्रिन बना दिया मंदिर की जमीन में, विनोद यादव, शशि यादव। हाँ, जबरदस्ती। तो फिर उस मामले में क्या हुआ? हम लोग यहाँ आए लोग अदालत में, यहाँ भी बोले सीओ साहब की ठीक है तुम अपना निकाल लो, वो अपना निकाल लेगा। वो जबरदस्ती का था, मेरा है, उसका बड़ा भाई बोला बार बार कि नहीं मंदिर का जमीन है, ठीक है। 8 दिन पहले मना भी कर दिया, यहाँ से गए बड़ा हो मना कर दिया, नहीं अभी काम नहीं चलेगा। उसके बाद 4 दिन के बाद काम फिर शुरू कर दिया। जब हम लोग गए आज जबरदस्ती वो लोग तलवार चला दिया। आज आप लोग क्यों गए थे? वही करने के लिए, विनोद यादव का कहना किया ये जमीन मेरा है, बोले कागज पत्र निकालो, कागज पत्र नहीं है, कागज पत्र तो भगवान का नाम पर, वो तो हम लोग को पास दिखाए, बस वो आया आँख में गुंडी, पूरा फैमिली छीट के बस तलवार चलाना स्टार्ट, पंचेती में चलाना स्टार्ट कर दिया, बूढ़ा बुजुर्ग जितना भी था, जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती। तब विनोद यादव घायल हुआ है, सिकंदर यादव नाम है, वो पुष्ट मार के बर्बाद काट दिया, सब फाड़ फूट दिया है और प्रशासन पकड़ के लाए हैं यहाँ, हम लोग पकड़वा के यहाँ रखवाए हैं और 5 गो फिरार है। आप लोग अब क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग चाहते हैं हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, मंदिर का जमीन है तो न्याय मिलना चाहिए। मंदिर का जमीन में वो अपना ले ले, उसको जहाँ है वो अपना ले ले, वो अपना जहाँ उसका है अपना ले, मंदिर को छोड़ दे। चल जबरदस्ती दमंग हथियार पिस्टल निकाल लेता है। क्या मेरा नाम नवल यादव नाम हुआ। थाना आए हैं हम लोग और उसको घेरा करने के लिए और पकड़े हैं विनोद यादव, उसका बेटा को अभी बंद करवाए हम लोग। शशि यादव अभी फिरार है, उसका पत्नी फिरार है और उसका बेटा फिरार है। आप लोग पूरे समाज आए? पूरा समाज आया है, टोटल जितना भी समाज है और सब समाज ही बैठा था पंचायती में। समाज का भी बात नहीं मानता है, किसी का प्रशासन तक का बात नहीं मानता है। बड़ा बाबू गए, बड़ा बाबू तक का भी बड़ा बाबू की बात नहीं मानता है। 50,000 दे दिया, थाना खरीद लिए हैं हम, हमको कुछ नहीं करेगा, ऐसे बोलता है विनोद यादव, ऐसे बोलता है सब बोलता है, ऐसे बोलता है। आज दिन 15-20 रोज से कहानी चल रहा है, 3 बार 4 बार चार मरते थाना, वहाँ दरबार एसपी साहब के यहाँ गए, वहाँ भी इस चीज को बोला गया। महावीर यादव ने दान दिया था, कृष्ण भगवान का राष्ट्र जमीन का दान दे दिया। वहाँ पे मंदिर कब से है? मंदिर बहुत दिन से, हम लोग बहुत छोटा थे, 1939 का मंदिर बना हुआ है। उसका कहना विनोद यादव का है कि जमीन जो है मेरा ही है, जबरदस्ती कर रहा है। सारे समाज हम लोग एक तौ है, अब वो लोग छोड़ने के लिए नहीं चाहे, हम लोग सब समझाए तो बोला नहीं जमीन मेरा ही है। विनोद यादव मारा सर। क्यों मार दिया? वही पंचायत के दरमियान, पंचायत के में किस मैटर से आप लोग गए थे पंचायत? मंदिर का जमीन का मैटर। विनोद यादव का कहना है कि मेरा जमीन है, वो सार्वजनिक कृष्ण भगवान के नाम से खतियान है सर। कब से है मंदिर? मैं बहुत दिन से, 2-3 पीढ़ी से, 3 पीढ़ी। उसी का आज पंचायत ही होना था? हाँ, पंचायत हो रहा था, उसी में वो डायरेक्ट आया विनोद यादव, शशि यादव, वीरेंद्र यादव, बंटिया सब फरसार सचना दिया, उसका बेटा सन्नी यादव, सबको मिलके पहले से प्लानिंग था। वो लोग पहले से फरसा दबिया सब जुक्ति आया था, गुंटी पे का और चलाना चालू किया।
इधर से आप लोग भी समाज के लोग थे, समाज के लोग थे तो सब तो इधर रह गए ना, मतलब देख रहा है कि हो रहा है, अब होगा तब तड़ातड़ चलाना चालू किया हम लोग। पूरा गांव समाज एक तरफ, वो अकेला एक तरफ, बुझ जाइए कैसा आदमी हो सकता है। यानी जमीन कलदाए के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वो जमीन डायरेक्ट कर रहा है, मेरा है जमीन, कागज दिखा है, कल थाना में हुआ पंचायत जनता दरबार के थ्रू से, बड़ा बाबू सामने पे कल मना किया है उसको हर चीज से। थाना का भी तीन थाना का भी बात नहीं माना है, तीन दिन से हो रहा है, दीदी पूरा कृति हमको कर दिया, बर्बाद कर दिया, शरीर को काट छाट के। आप लोग भी तो उसको पीटे होंगे इधर? नहीं, हम लोग क्यों पीटेंगे, हम लोग पीटते तो हम यहाँ हॉस्पिटल में रहते। पूरा समाज अगर उसको मारना चाहता है एक आदमी को, तो वो चटनी बन जाता है ना, उसके देह में कहीं खुरुज नहीं है। नकल किया है उसको, पूरा डॉक्टर से जांच करवाइए, देखिए उसका शरीर में कहाँ कुंची हुआ है। ऐसे में आप लोग आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। मारने वाला कौन कौन था? विनोद यादव, शशि यादव, वीरेंद्र यादव, बंटी यादव, मनीष यादव, सन्नी यादव। महिला भी थे? तीनों का। सिकंदर यादव। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229, 9341505230।